हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग से आज कुछ सवाल करने आए हैं, तो उसका सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो हम जब भी दुर्गा माँ के मंदिर हो, चाहे तो कोई भी मंदिर हो, वहाँ जाते हैं तो पता नहीं मेरा आँख से आंसू गिरने लगता है, बहुत आंसू गिरता है। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, और यानी कि उनको दरवाजे पे जाते ही पता नहीं हमको बहुत रोना आता है। तो आज तक हमको ये समझ में नहीं आया कि हम इतना क्यों रोते हैं और कैसे हमको इतना दुख हो जाता है, और हम किसी चीज़ सोचते भी नहीं है, इस वजह से और रोना आता है। तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे क्यों इतना हम रोते हैं। आज भी अष्टमी था, आज हम पूजा करने गए और माँ को देखते ही बहुत हमको रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि आप लोग हम कुछ नहीं बचा सकते। आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, आज माँ का दिन है, आज अष्टमी है, हम झूठ नहीं बोल रहे आप लोग से। बहुत अंदर अंदर रोते हैं, और इधर से जब माँ भी जाने लगती है विसर्जन में तो और रोते हैं, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं पाते हैं कि हम बहुत रो रहे हैं। हम अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी हम अष्टमी पूजा करके आ रहे हैं और बैठे हुए थे, और मेरा दुकान मेरे महादेव जी दुकान किए हैं मेला में। आप लोग को तो पता ही होगा कि हम बाहर जाकर कुछ सामान लाते हैं और पैकारी देते हैं, तो यही आप लोग से पूछना चाहेंगे क्यों हमको इतना रोना आता है। माँ के देखते ही पता नहीं आंसू अपने आप बहुत गिरने लगता है, हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, ऐसा लगता है कोई देख लेगा तो हमको क्या बोलेगा। फिर भी हम साइड से आंसू पोंछते रहते हैं, फिर भी ऐसा हम लोग को नज़र में नहीं आ देते हैं कि हम रो रहे हैं। तो हम आप लोग से यही पूछना चाहेंगे क्यों हमको इतना रोना आता है, पता नहीं, हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आज से नहीं, यानी कि हम शादी से पहले से हमको ऐसा लगता है। तो आज हम निराजली अष्टमी किए हैं, अपने अंदर से आप लोग से बात भी कर रहे हैं तो अंदर से बहुत रोना आता है, हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो हम आप लोग से यही पूछना चाहते हैं कि क्यों हमें ऐसा होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, हम हर भगवान को पूजा करते हैं, ज़्यादा करके हम शनि देव को पूजा करते हैं, और इधर 2-3 शनिवार से हम नहीं जा रहे हैं शनिवार को पूजा करने, अपने अंदर से दूसरे टाइप से हमको लगता है। तो इसलिए आप लोग से पूछना चाहेंगे हमको ऐसा क्यों फीलिंग होता है कि हमको अंदर से रोना आता है। तो अभी हम पूजा करके आके बैठे हुए हैं, और आप लोग से सोचे कुछ शेयर करते हैं, तो इस वजह से हम आप लोग को बता रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि और लोगों के पास जाए और बताएं कि हमें क्यों ऐसा होता है अंदर से, बहुत दुख होता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि हर वीडियो हम बनाते हैं आपके पास जाए पहले।